نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों हाफिज मुजीबुर रहमान साहब ने कुरान पाक सुनाया, आपने हमने सुना। अल्लाह ताला इनका पढ़ना, हमारा सुनना और इस पर अमल करना। तो हाफिज साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। कितने सालों से, आज से 40 साल पहले भी मैंने इनसे कुरान समनाबाद में जाने पड़ी थी उनके साथ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन रिफ्रेश हो गया मेरे लिए। तो सबसे ज़्यादा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चौधरी सलामत साहब को, जिन्होंने ये इहतमाम किया था। आमीन। और अल्लाह ताला इसमें ज़्यादा बरकत देता है। कुरान पाक का याद कर लेना, सुना देना, लेकिन उस चीज़ को मैनेज करना, उसका एहतमाम करना, लोगों को इकट्ठे करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनको सहूलत प्रोवाइड करना, ये अल्लाह ताला ने किसी किसी के जिम्मे काम लगाया है। और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में निशान लगाया। तो चौधरी साहब भी अल्लाह ताला ने एक नेक बंदों में चुन लिया है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनको लंबी उम्र अता फरमाए, इनके बच्चों को भी लंबी उम्र अता फरमाए, हम सबको जो है ना वो तौफीक दे कि हम भी इस काम में बढ़ सकें। कुरान पाक की मैंने तिलावत की है, सूरत कदर है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, कि हमने लैलतुल कदर में कुरान नाज़िल। कुरान का नज़ूल 27 रमज़ान मुबारक में। तो अरबी में, अरबी का ये एक अंदाज़ है अरबी ज़बान का, कि जिस चीज़ पे ज़ोर देना हो पहले उसकी नफ़ी की जाती है। जैसे कलमा है, उसमें आता ला इलाहा, कोई मबूद नहीं है इल्लल्लाह। इसी तरह जहाँ पर वो ज़ोर देना हो, अल्लाह ताला को क्वेश्चन करता है, सवाल पूछता है, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कद्र वमा अदराक मा लैलतुल कद्र, वो तुझे क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या है। फिर अल्लाह ताला खुद जवाब देते हैं उसके, लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र हजारों महीने से बेहतर रात है। और हजार का जिक्र क्यों आया, उस वक्त अरबी की जो गिनती थी जब ये सूरह नाज़िल हुई, तो हजार से ज्यादा नहीं होती थी, हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो हमारे बुजुर्ग जो है ना 100 तक गिनती भी जानते नहीं, जानते थे ना, बीसियों का जिक्र करते थे, इतनी बीसियों का मैंने लिया, इतनी बीसियों का लिया। इसी तरह अरबी में जो था ना, हज़ार से ऊपर गिनती नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने वो हज़ार का मैक्सिमम जिक्र किया उसमें, कि हज़ारों महीने से बेहतर है, पता नहीं कितने हज़ार महीने, एक हज़ार नहीं है, हज़ारों महीने से बेहतर। क्या है, इस रात को फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं अल्लाह के हुक्म से, और वो रहमत है, बरकत है, और वो सुबह तक है। तो लैलतुल कदर जो है, ये आखिरी अशरा जो तीसरा अशरा है रमज़ान मुबारक का, उसमें किसी रात को, वैसे तो हमें हर रात को ही बात करनी चाहिए दिनों की, आज यहाँ ताक रात है, तो कल सऊदी अरब में ताक रात थी, कल सऊदी अरब में ताक रात होगी, हमारे यहाँ नहीं होगी। तो ये 10 की 10 रातें जो है ना, ये लैलतुल कद्र में आई। तो इस हवाले से हमें इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये रात
कई हजार महीनों की इबादत से बेहतर आ गए। अल्लाह ताला हमारे नसीब में करे ये सारा। फिर कुरान पाक नाजल हुआ, कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 23 साल तक रही, उसके बाद 23 साल तक रहे आप, दुनिया से चले गए। कुरान पाक का जो नजूल है वो नबूवत से शुरू होकर 22 साल 5 माह 14 दिन यानी आखिर तक रहा। और सबसे पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और सबसे आखिरी आयत जो है अल्योमा अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरज़ीतु लकुम इस्लाम दीन, आज अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें मुकम्मल कर दी हैं, और तो अल्लाह ताला ने दीन को जो है इस्लाम को जो है एक दीन की हैसियत से पसंद कर दिया। अब कुरान पाक अल्लाह ताला ने महफूज किया, इसमें एक मुद्दे का फर्क नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हाँ। अब कुरान पाक में 30 सिपारे हैं, 7 मंजिले हैं, 14 रुकू हैं, और इसके 540 रुकू हैं, 14 सजदे हैं, 6666 आयात हैं, 114 सूरते हैं जिनमें 86 मक्की हैं, 28 मदनी हैं। सारी चीज़ें महफूज हैं, एक लफ्ज का फर्क। और टोटल हरूफ जो हैं वो 3,23,760 हैं, और सबसे ज़्यादा हरफ जो इस्तेमाल हुआ है वो आइन है जो 92,200 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, और सबसे कम हा ए जो है वो इस्तेमाल हुआ है 973 दफ़ा। अब ये चीज़ें एक नुक्ते का फर्क, अल्लाह ताला ने खुद हवाले फरमाई, अल्लाह ताला ने खुद इसकी जो है हुआ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजल होती, सारा कुरान वही के लिए नाजल हुआ सिवाय दो आयात। वो कौन सी दो आयात हैं? सूरह बकरा की आखिरी आयत। वो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज शरीफ पे गए तो अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पे वो दो आयात दी, हम रसूल इमाम जी लाई लेंगे। तो ये दो आयात हैं ये अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पर, बाकी सारा कुरान वही के तौर पर। फिर आप देखेंगे कुरान का जो मौजू है वो इंसानियत, 6,666 आयात जो हैं कहीं ना कहीं वो इंसान की फलाह के लिए, चाहे वो नेमत के तौर पे हैं, चाहे वो इबरत के तौर पे हैं। अब इबरत के तौर पे इतनी उसमें आयात आती हैं, कौम आद का जिक्र आता है, कौम समूद का जिक्र आता है, कौम नूह का जिक्र आता है, कौम लूत का जिक्र आता है, कौम शुएब का जिक्र आता है, ये कुरान में जिक्र आते हैं इसलिए हमें सीधी राह दिखाने के लिए, इंसानियत की फलाह है। कौम आद जो थी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी उसमें आद था, आद बिन औस बिन इरम बिन असाम बिन नूह, ये आद था, कौम आद थी, उसकी जो आद अपना औलाद थी वो कौम आद थी। और वो कौन से इलाके में थे? ये जो अमान का इलाका है अरबों के साथ, ये इलाका था वो मशरक और जनूब का इलाका था। इरम आज़ाद लिमाद सूरह फजर में भी आता है और सूरह हूद भी है, दो जगह पे जिक्र आता है। और ये लोग आप ये देखें कि इतने जवान थे, 36-36 गज की छातियां थी इनकी, इतनी वेस्ट थी इनकी, और ये सनत और हिरफत पहाड़ों को तराश देते थे, उसमें घर बनाए हुए थे, चट्टानों में घर बनाए हुए थे, मकबरे बनाते थे। जब अपना हूद अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने उनको भेजा कि ये बुतों को पूज रहे हैं, ये शिरक कर रहे हैं, इनको मना करो। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मना हो जाओ, शिरक ना करो, इनको ना पूजो, पहाड़ों को ना पूजो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को मानो, तो इन्होंने कहा तू कौन होता है मैं कहने वाला, हमारे बाप दादा के हमें मज़हब से फाड़ेगा कौन होता है, हमने नहीं करना। फिर अल्लाह का अज़ाब आता है,
कुरान में आता है कि वो यूं कटे पड़े थे जैसे दरख्तों के तने कटे पड़े, कितने बड़े बड़े थे। आंधी आई, चीखों की आवाज आई और तबाह हो गए। इन्हीं की जानशीन कौम थी समूद, समूद इन्हीं की जानशीन थी। समूद जो तो था वो इसका कजन था, समूद बिन जशीर बिन इरम बिन असाम बिन नूह, उसका कजन था, उसकी कौम थी, वो इनके जानशीन थी। और जो कौम समूद थी वो आखिर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त तक रही है कौम समूद। और उनके पास इलाका था नजर का, हजाज का एक इलाका था नजर, बाद में उसका नाम पड़ा मदीन। हजरत सालेह अलैहि सलाम अल्लाह ताला ने भेजे कि ये लोग जो हैं ये शिरक कर रहे हैं, इनको जाके मना करो। हजरत सालेह अलैहि सलाम ने उन्हें कहा यार शिरक ना करो, अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को मानो, अल्लाह को एक मानो, वही तुमको रिजक देता है, वही तुमको पानी देता है, हर चीज़ वही देता है, उसको मानो। उन्होंने भी यही बात आगे से की, कौन होता है तू, तो हमारी तरह बशर है, हमारे हमारे मजहब से हमें लादा करता है, क्या निशानी है तेरे पास। वो निशानी मांगने लगे, उन्होंने कहा कि इस पहाड़ में से एक ऊँटनी निकले, आंवला ऊँटनी, तब बांधने जा बना। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, सालेह अलैहि सलाम ने हुक्म दिया पहाड़ को, उस पहाड़ में से एक ऊँटनी निकली जो आंवला थी, उसने आके बच्चे को जन्म दिया। तो सालेह अलैहि सलाम ने फरमाया उन्हें कि इस ऊँटनी को जख्मी नहीं करना, मारना नहीं, लेकिन वो बाज ना आए। वो कुओं का पानी पी के उसने इतना दूध दिया, वो कुओं का पानी पी गई और उसने इतना दूध दिया इनको, इन्होंने कहा उस पर लड़ पड़े आपस में, 9 कत्ल हुए और ऊँटनी को मार दिया उन्होंने। फिर अल्लाह का अज़ाब आया, हज़रत सालेह अलैहि सलाम ने फरमाया उन्हें कि आप ये देखो कि 3 दिन में अज़ाब आ जाएगा। फिर यही हुआ, उस कौम को पहले दिन उनके रंग पीले, अगले दिन सुरख हो, तीसरे दिन उनके स्याह और वो ख़त्म हो। आंधी चली, खून की आंधी चली, जलजला आया, ये हमारे लिए इबरत है। पुराने पाक ही आया हमारे लिए इबरत है, इंसानियत है, समझ इंसानियत को सही करना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इलाके में जाने से मना किया लोगों ने कि वहां ना जाना, उल्टी बस्तियां हैं, अल्लाह ने लुटा दिया। मैं वहां ओहद पहाड़ पे खड़े थे सामने, तो मेरे साथ एक लड़का था, तो कहने लगा अल्लाह के नबी को ओहद पहाड़ से बड़ा प्यार था, आपने वहां एक दुआ फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले जब कौमें तबाह होती थी तो अच्छे लोग भी उसमें तबाह होते। ये जो कौम थी वो बंदर बन गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदी थे, लूत अलैहिस्सलाम के तो वो अलहदा था, ये मूसा अलैहिस्सलाम का ये कौम थी जो बंदर बने थे। उनमें ये था कि अल्लाह ताला ने उनको हफ्ते वाले दिन मछलियाँ पकड़ने से मना किया, उन्होंने बल्कि खुद कहा था कि हमें एक दिन लेके दे अल्लाह से, उसमें हम अल्लाह की बात करें, हम कुछ ना करें। तो पहले मना करते रहे कि ना करें ये काम, आप नहीं कर सकेंगे, कहने लगे नहीं हम करें। अल्लाह ने हफ्ते का दिन मुकर्रर कर दिया मछलियाँ नहीं, अब 6 दिन मछली नहीं आती थी कोई भी, हफ्ते वाले दिन समुंदर में मछलियाँ नजर आती थी। उन्होंने कहा हम तो मारे गए, उन्होंने गड़े को और उसमें जाल डाल जाते थे, हफ्ते वाले दिन उसमें मछलियाँ आती थी। अब उनके 3 हिस्से बन गए, एक हिस्सा वो था वो रिश्तेदार थे सारे, एक हिस्सा वो था जो अल्लाह को मानते थे, दूसरा वो था जो अल्लाह को मानते थे लेकिन उन्हें मना नहीं करते, तीसरे वो थे जो अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर करते थे, उन्हें मना भी करते थे और आप खुद भी अमल करते। जब अल्लाह का अज़ाब आया तो अल्लाह ने उन्हें खंजीर और बंदर बना दिया, उनको भी बना दिया जो कहते थे हमें क्या इनसे, अब मर्जी है कि करें ना करें, अल्लाह ने उनको भी बंदर बना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं। कौम लूत थी, अजीब चक्कर रिश्ते आए उनमें भी पड़े, अल्लाह ने दुआ कर दी, सुरख आंधी चली, अजाब आया। नूह अलैहि सलाम देखे वो नहीं मानते थे, 950 साल उम्र थी,
आखिर वो एक कश्ती बनाई, उसका मजाक करते रहे। फिर वो इतना तूफान आया, इतना पानी आया, इतना सैलाब आया, वो कश्ती बची डूबती पार। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में इसलिए ताकि हमें इबरत बताएं कि मैं यूँ भी कर सकता हूँ। कई जगह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस तरह मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। हाथी वालों के साथ मैंने क्या किया, अल्लाह ताला के साथ। फिर कई जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यंज़ुरूना इल इबिल कैफ खुलिकत, क्या आप देखते नहीं है ऊंट को मैंने कैसे बनाया। वलिल जबाल कैफ नुसिबत, कैसे मैंने पहाड़ को बुलंद कर दिया। वइल अर्द कैफ सुतिहत, कैसे मैंने जमीन को उछाल दिया। हमें कह रहे हैं अल्लाह ताला कैसे कर दिया। या अय्युल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐ ईमान वालों क्या मैं तुम्हें ऐसी तजारत बतला दूँ, क्या बतला दूँ, अल्लाह पूछते हैं आपसे, जो तुम्हें अजाब से बचा दूँ। تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنی مال سے اپنی جان سے جان اللہ کے راستے میں۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله بشير۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغ جنت میں داخل کرے گا جس میں محل بنے ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز جس کو تم چاہتے ہو نصرت اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس کے مومن کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا۔ تو قرآن ہمارے لیے ایک مشعل کا، قرآن کا پڑھنا آپ سے ماشاء اللہ بڑا پیارا کام کرتے ہیں، خوش آرامی سے قرآن پڑھتے ہیں، خوش آرامی سے قرآن کا پڑھنا تمہارے دلوں کو منور کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں ہمیں قرآن پھر ایک اور واقعہ اس پہ سنا دوں گا۔ دیکھیں یہ ہماری عبادات کے معاملات، اس کے علاوہ معاملات ہیں جو عبادات ہیں وہ 10% ہیں، 90% ہمارے معاملات ہیں کہ دنیا میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوسچن کیا، کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کان اخلو قرآن، قرآن آپ کا اخلاق، جو قرآن میں لکھا ہو وہ نہیں تھا۔ تو میں قرآن کی حفاظت کا بتا رہا تھا، یہ حضرت یحییٰ بن اقسم ہیں، ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے اس روایت کو لکھا کہ امام الرشید جو خلیفہ تھا اس کے پاس ایک یہودی آیا، تو بڑی عمدہ نفیس قسم کی زبان بول رہا تھا، بڑا مؤدبانہ بیٹھا تھا، تو امام الرشید نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اٹھ کے چلا سال کے بعد پھر آیا وہ، تو مسلمان تھا۔ امام الرشید اسے پوچھتا ہے کہ تم مسلمان کیسے ہو، اس نے سنایا کہ میں نے 3 کتابیں لکھی ہیں قرآن اور ان میں کمی بیشی کر دی، میں وہ ان کے یہودیہ کے معبد میں لے کے گیا، انہوں نے وہ خرید لی تینوں اور پڑھنی شروع کر دی۔ پھر میں نے 3 انجیل لکھی، میں چرچ میں گیا، میں نے وہ تینوں ان کو بیچ دی، انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ پھر میں نے 3 قرآن لکھے اور تینوں میں کمی بیشی کر دی۔ جب میں اسلامی مکتب میں لے کے گیا، انہوں نے قرآن لے کے سب سے پہلے دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، کمی بیشی تو نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس میں تو کمی بیشی کر دی ہے، تو اس نے کہا ہم نہیں لے۔ تو اس وقت میرا یقین ہو گیا کہ اس کی حفاظت اللہ نے خود لی۔ اب قرآن پاک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی تو آپ لکھوا لیتے، لکھنے کے کیا تھی چیزیں، بڑے بڑے پتھر ہوتے ان کے سلیٹیں لگی ہوتی، یا اونٹ کے جو کندھے تھے بڑے بڑے، وہ جو ان کی ہڈیاں تھیں اس پہ لکھتے تھے، کھجور کے پتوں پہ لکھتے تھے۔ تو آخر تک قرآن نازل ہوتا رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने कुरान पाक की तदवीन की, उसको शक्ल दी। फिर मजीद उसकी जब तीन कापियां बनाई वो हजरत उस्मान गनी रजी। फिर जमाना आ गया एक जालिम बादशाह हुआ है, नाम बड़ा है अल्लाह ताला ने जो उसे देना था काम, हजाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन हजाज बिन यूसुफ ताइफ में पैदा हुआ, एक मदारस का बेटा था, वहाँ से उसने थोड़ा बहुत पढ़ा, शुरू से पढ़ा जा रहा था, तो वो वहाँ से आ गया मदीने में, मदीने से वो आ गया कूफे में, वहाँ से वो वजीर बन गया इसका अपना अब्दुल मालिक मरवान का जो खलीफा था अब्बासिया, उसका वो वजीर बन गया, तीसरा आते आते वो बादशाह। तो उसने ये तजवीज़ लगाई कि हम कुरान पढ़ते हैं, हम अरबी नहीं जानते इतना ज़्यादा, तो कई लफ्ज़ हम नहीं बोल सकते, काफ बड़ा है छोटा है हमारे से अंदाज़ ही नहीं होता, अब ये ज़ुआद है, कुछ लोग ज़ुआलीन पढ़ते हैं, कुछ दौलीन पढ़ते हैं, तो लेकिन अरबी का ये लफ्ज़ है हम अदा ही नहीं कर सकते। तो उसने ज़ेर ज़बर लगवा दी कि ताकि ये लोग गलत हों, उसने ये काम। तो जब ये काम हो रहा था तो एक गवर्नर आया उसके पास, किसी इलाके में गवर्नर था, आके उस हजाज बिन यूसुफ को कहता है कि फलां कुरान में एक जो नुक्ता है ना, दो नुक्ते हैं, अगर वो नीचे की जगह ऊपर कर दें ना तो बाली बड़ी आसानी होगी। उसने कहा इसमें क्या है? उसने कहा कि जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर कर रहे थे, खिजर अलैहिस्सलाम उस्ताद थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो कई जगह पे गए, उन्होंने दीवार करा दी, एक यतीम बच्चों का था वो खराब कर दिया, मार दिया, इस तरह करके ना वो एक जगह पे वो गए, उन्होंने वहाँ कोई काम किया तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ये गांव वाले हमें रोटी देंगे इस तरह, लेकिन वो कुरान में आता है कि गांव वालों ने उन्हें खाना नहीं दिया। कहता अगर ये दो नुक्ते ऊपर लग गए ना तो इससे मुराद ये हो जाएगी मेरा कबीला है वो, तो हमारी उस वक्त से रसवाई हो रही है कि हमने खाना नहीं दिया, अगर ये दो नुक्ते यहाँ से उठा के ऊपर लगा देंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा और गांव वालों ने इसे खाना दिया। हजार दिन में सब कहता बैठ जाए, अंदर गया अपनी तलवार लाया उठा के उसकी गर्दन पर, भाई पुराने पाक है इसे रोज पढ़ा करें अल्लाह ताला बरकत देगा। एक दफा कारी बासा साहब तलावत फरमा रहे थे किसी कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें यांग्रो को भी आया, आमरों को पता था कौन था, रशिया का बादशाह था, सदर था, 50-60 साल पहले। उसने जब कुरान सुना ना उसके बाद कॉन्फ्रेंस होने के बाद में फिर कहता है मुझे एक कुरान सुना, मुझे सुकून बढ़ा है। इसी तरह लेनिन, रशिया में लेनिन आया पहला, जिसने वहाँ पर ये कम्युनिज्म किया, तो उसने अल्लाह और रसूल का नाम ख़त्म कर दिया कि कोई नहीं, अब ये रियासतें आज़ाद हुई, मुसलमान थे ये लोग, लेकिन ये अल्लाह रसूल का नाम नहीं ले सकते भाई, इतनी ज़्यादा सख्ती थी, मार देते गोलियाँ मार। लेनिन टू जो था जब वो मरने लगा, उसके वजीर उसके पास बैठे, तो उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगे लेनिन तुमने तो कभी ये नाम नहीं लेने दिया किसी, कहता लेता मैं अब भी नहीं, लेकिन इसी के लेने से मुझे सांस आ रहा है। ये कुरान की और अल्लाह की बात है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो कुरान की बरकतें हैं, और कुरान में जो हमने नाजल किया वो शफा है और रहमत है मोमिन के लिए, वो नज़िल मिन कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिलमोमिन। तो ये तो हमारी वादात हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे मामलात हैं। सबसे बड़ी जो नेकी है दुनिया के अंदर वो तौहीद है, उसके बाद जो नेकी है वालदैन की खिदमत है परमानंद, इसी तरह बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई शिरक है, और उसके बाद बुराई जो है नाफरमानी है। व बिल वालिदैन एहसान व ज़िल क़ुरबा व यतामा व मसाकीना व क़ौलु लिन्नास हुस्ना व अक़ीमुस सलात व आतुस ज़कात, वालदैन के साथ एहसान करो, अपने अज़ीज़ो क़ारिब के साथ एहसान करो, यतीमों के साथ करो, और खुश अखलाकी से पेश आओ।
सबसे बड़ी चीज ये है सर, खुश अखलाकी जिंदगी। फिर आता है वकील सलाम नमाज कायम करने का। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जाना था फिरौन के पास तबलीग के लिए, कुरान का सेंटर बल या तलब का, उसका मायना क्या है? और नरमी से पेश आना, बल या तलब तक और नरमी से पेश आना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त थे, आज़र, लेकिन फिर भी उसको क्या पुकारते थे? या नाम उसका नहीं है बच्चों। फिर सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह का नमाज का है, नमाज पे मेंटेन करो। वालदैन का जिक्र कर रहे थे, वालदैन के बारे में इतनी मिसालें आती हैं। एक मैं छोटी सी बात आपको सुनाता हूँ वालदैन की। एक तो ये है कि कुरान में आता है कि उन्हें उफ तक भी ना खाओ, उन्हें बूढ़े उफ क्या तकलीफ है। मैं अपने नखून देखता हूँ बड़े हुए तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है, रतन नखून मेरे बड़े हैं तो मैं देखता हूँ ये तकलीफ है, इतनी भी नहीं देती। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ा रहा होता था ईशा की, दूसरी रकात है तलावत कर रही है और मेरी माँ आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ दी माँ की आवाज़ अहमियत बता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, तकलीफ होता था अल्लाह से बातें करें कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में तेरा साथी फलाम दाइन में एक कसाई है, वो तेरा साथी है। कसाई मेरा साथी हो जाएगा, मैं अल्लाह का नबी वो कसाई मेरा साथी। तो जब सब में आगे के वो क्या अमल करता है जिससे अल्लाह ने कहा कि तेरा वो साथी है, आप चले जाते हैं दिन भर, जाके देखा वो कसाई गोश्त लेके आया, उसने वो गोश्त का एक टुकड़ा जो तरह काट के कपड़े में लपेट दिया, आप बैठे रहे सामने पिछड़े में सर बैठे, सारा गोश्त बेचा। तो शाम को जाने लगा तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, परदेसी हूँ मेरा, वो साथ चला जाता है। तो घर जाके उसने वो गोश्त को काटा, पकाया, पकाने के बाद उसने अच्छा सा उसमें से पीस लिया, पीस लेके उसके दांतों में अपने चबाया। फिर उसने जाके बूढ़ी माँ थी जो बिस्तरे मरक पे पड़ी थी, ना बीनी थी, दांत नहीं थे, उसने वो पीस मुंह में से निकाल के फिर माँ के मुंह में रखा। तो माँ ने दुआ दी, ऐ मेरे बेटे जा तुझे अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम के साथ। ये वो दुआ थी जो मूसा अलैहि सलाम के साथ। फिर नमाज है, बच्चों को नमाज की तरफ लाए, आप भी नमाज पढ़ें, हम भी नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला के तौफीक से नमाज पढ़ें। तो कुरान में नमाज के बारे में हुक्म आता है, बहुत ज़्यादा आता है। सबसे बड़ा हुक्म है जब इस्लाम में इंसान दाखिल हो जाता है तो इस्लाम में रहने के लिए नमाज है, इस्लाम में रहने के लिए नमाज है, ताकि इस्लाम में रहें आप। और नमाज जो है वो बुराइयों से रोकती है। तो सूरह मुदस्सर की आयात हैं, फी जन्नत यतसालून अनिल मुजरमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन। मैदान महशर होगा, वफात का मैदान है मैदान महशर। अल्लाह ताला आप सबको तबलीग के हज पे जाए, आप मैदान महशर देखें, आप तो वफात का मैदान है, तो मैदान लगा होगा, तो लोग सारे होंगे, अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज़ बुलंद होगी, ये तू ना ही सजदा, लोगों मुझे सजदा करो, लोग सजदे में गिरते। लेकिन वो लोग जो दुनिया में सजदा नहीं करते थे वो नदामत में आए, वो सजदा नहीं कर सकेंगे, पेशानियों पे नदामत होगी। जब मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की आवाज़ आती थी, हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह, तो वो तंग आ जाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, तो वो सजदा करने की तौफीक नहीं होगी, फला या सतीऊना, उनको इस्तात नहीं होगी, इस्तात नहीं होगी। फिर क्या होगा कि एक गर्दन नमा चीज नमदार होगी, वो उठा के उनको जहन्नम में फेंक। तो जहन्नम में जन्नत से जो दरवाजे खुलते हैं, एक दरवाजा जहन्नम में भी खुलता है।
अब जन्नत वाले उनके अजीज हैं, वो उसमें देखेंगे फी जन्नत या तसाल, जन्नत में से सवाल करें अनिल मुजरिमीन क्या जुर्म है तुम्हारा, अनिल मुजरिमीन क्या जुर्म है तुम्हारा, मा साला का कुंजी सकर की चीज ने तुम्हें दोजख में डाला। कालू को कहेंगे लम नकू मिन मुसलमान मालू, अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे, पांच वक्त का नमाजी बना दे, दुआ फरमाएं या अपना तो ये आज की रात जो है ये अल्लाह ताला शब कदर की रात है, कई रातें होती है एक ही नहीं होती, तो आज हमने इंशाल्लाह पिछले गुनाहों से तौबा कर ली और अल्लाह ताला के अहकाम पे चलने वाला बना दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا قيامنا ربنا تقبل منا دعانا اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اشف مرضانا مرض المسلمين وفوض امرنا الله ان الله بصير بالعباد اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين ربي اغفر وارحم انت خير الراحمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آج کی اس شب قدر کی رات کے صدقے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں دین کی استقامت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا بنا دے یا اللہ اپنی رضا پر چلنے والا بنا دے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقہ پر چلنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں
या अल्लाह हमें कब्र की सख्ती से बचाना, या अल्लाह हमें हशर की शर्मिंदगी से बचाना, या अल्लाह हमें मौत की तलखी से बचा देना, या अल्लाह हमें हशर की शर्मिंदगी से बचा देना, या अल्लाह हम सबको जन्नत अल फरदौस में जगह अता फरमाना, या अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह हमारे वालदैन जो दुनिया से चले गए हैं, अजीज़ व अकारब बहन भाई जो दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह सब की मगफिरत फरमा, या अल्लाह तेरे नेक बंदे और बंदियां जो दुनिया से चले गए, या अल्लाह मगफिरत फरमा, या अल्लाह अंबिया-ए-किराम से लेकर औलिया-ए-किराम तक, या अल्लाह ये जो कुरान पाक पढ़ा गया है, या अल्लाह इसके सदके उनके दर्जात बुलंद फरमा दे, या अल्लाह इस कुरान पाक के सदके हमारे ऊपर रहमतें अता फरमा दे, या अल्लाह हमारे ऊपर बरकतें नाज़िल फरमा दे, या अल्लाह हाफिज़ साहब ने जिन्होंने 39 कुरान पाक 39 मसल्ले सुना दिए हैं, या अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, या अल्लाह इनको खुशियाँ अता फरमा, या अल्लाह इनकी लंबी उम्र अता फरमा, या अल्लाह बंदगी वाली उम्र अता फरमा। और मैं ख़ास तौर पे जो इस्लाम साहब के लिए दुआ करता हूँ, हम सब दुआ करते हैं, या अल्लाह इन्होंने जितना अच्छा इहतमाम किया है, या अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमा, या अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, या अल्लाह इनके घर में बरकत अता फरमा, या अल्लाह इनको खुशियाँ अता फरमा, या अल्लाह जो भी मुश्किलात का शिकार है उनको आसानियाँ पैदा फरमा, या अल्लाह जहाँ भी मुसलमान परेशान है, फलस्तीन में है, कश्मीर में है, जहाँ कहीं भी हैं, या अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, या अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को हमारे लोगों ने खून दे के लिया था, या अल्लाह, या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, या अल्लाह अच्छे हुक्मरान अता फरमा, या अल्लाह इस्लामी कानून नाफिज़ फरमा, या अल्लाह यहाँ का बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, 5 वक्त का नमाजी बना दे, या अल्लाह अपने दीन पर चलने वाला बना दे, या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमा, या अल्लाह किसी परेशानी में भी हैं, या अल्लाह परेशानी दूर फरमा, या अल्लाह मखलूस वाली ज़िंदगी अता फरमा, या अल्लाह हमारे बच्चों में दीन वाली ज़िंदगी अता फरमा, हमें दीन वाली ज़िंदगी अता फरमा, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या ग़फ़ार या रब्बल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुआज़िबना बादल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरुल ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही।